सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। बीते दिन मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का आयोजन होता है, लाखों की संख्या में किसान वहां पर एकत्रित होते हैं। वहीं बात करें करनाल में जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद की जो परिस्थितियां बनी, करनाल में आने वाले 7 सितंबर को एक महापंचायत बुलाई गई है। हमारे साथ डिप्टी स्पीकर है बात करने के लिए, रणवीर गंगवा, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह की स्थिति जो है करनाल में बीते दिन बनी, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत का आयोजन होता है, लाखों लोग पहुंचते हैं, उसके अंदर बीजेपी का जो है सियासी रंग जो है एक देखने को मिला, एक काफ़ी रुख जो है, कड़ा रुख जो है वो अपना रहे थे किसान, कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बीजेपी के विरोध की बात आप कर रही हैं, ये तो हमने शुरू से ही कहा था, ये कुछ एक जो राजनीतिक लोग हैं जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, वो लोग इसकी अगुवाई करने का जो काम जो है, काफ़ी लोग उसके अंदर शामिल है, वो कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो तो पार्टी का विरोध करने का काम करेंगे। तो और तो कोई इनको कोई मुद्दा मिलता नहीं, किसान आंदोलन के बहाने अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करने का काम जो विरोधी पार्टियां कर रही है, वही इसको बढ़ावा दे रही है, वही इसकी इस बात को बहकाने का जो है वो काम कर रही है गाँव के अंदर भी। और जो करनाल की जो आप बात कर रहे हैं, करनाल के अंदर भी जो मीटिंग थी, मीटिंग के अंदर आप काले झंडे दिखा सकते हैं, कोई नेता वहाँ से आता है तो आप अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, लेकिन किसी को रोकने का या हिंसा का अधिकार तो आपको किसी ने नहीं दिया। अगर हिंसा कोई करते हैं और इस टाइप का कोई कदम उठाने का काम करते हैं तो स्वाभाविक है फिर प्रशासन उसको निपटने का काम करेगा। सियासी रंग देखा जा सकता है इसमें? निश्चित तौर पे, हम तो पहले से शुरू से ही कह रहे हैं कि ये केवल और केवल क्योंकि शुरू के अंदर तो किसानों को जिस तरीके से बहकाया गया था, किसानों के भी ये था भी हो सकता है कि हमारे ये खिलाफ का कानून हो, लेकिन सरकार ने शुरू के दिन से भी कह दिया कि किसी भी क्लोज में अगर कोई आप दिक्कत हो तो सरकार बातचीत को तैयार है, उस क्लोज को हटाने के लिए भी तैयार है। उसके बाद में कोई इसका आंदोलन का औचित्य रह नहीं जाता। और ये तो केवल मैंने जिससे पहले कहा कि जो लोग आगे हो रहे हैं, जिनको फंडिंग हो रही है, जिन जो लोग जो है इस बहाने अपने राजनीतिक जमीन तलाश करने का काम करें, वो लोग लगे हुए हैं। 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत बुलाई है मुजफ्फरनगर के बाद, और धारा 144 जो है प्रशासन की तरफ से लगा दी गई ताकि टकराव की स्थिति ना बने, लेकिन जिस तरीके से करनाल में पहले लाठीचार्ज हुआ, अगर किसी तरीके टकराव की स्थिति बनती है तो कैसे? देखिए, पंचायत करे, प्रदर्शन करे, नारे लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने शुरू से कह दिया कि वो आपका अधिकार आप करें, लेकिन अगर कोई पंचायत के बहाने इकट्ठे होकर के कोई किसी भी टाइप का अगर इस टाइप का कोई कदम उठाने का काम करते हैं जिससे माहौल खराब हो, जिस पे किसी के ऊपर हिंसा हो, तो निश्चित रूप से फिर प्रशासन का काम है, वो सख्ती से निपटने का काम करेगा। पिछले लगभग 9.5 महीने होने वाले हैं किसानों को बॉर्डर पर बैठे हुए प्रदर्शन करते हुए, आप लोगों के प्रदेश की बात करें तो आपको घेरा गया, डिप्टी सीएम, सीएम, सभी जो विधायक हैं उनको जो है रोका जा रहा था, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। जो ये महापंचायत हो रही है, क्या इसका आने वाले चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में, पंजाब में चुनाव है, क्या उसमें इसका कोई असर जो है देखने को मिल सकता है? मैंने जैसे पहले कहा कि क्योंकि केवल जो राजनीतिक लोग जो आगे होकर के जो कर रहे हैं तो अब लोगों को समझ में आने लग गया है, और जहाँ जो हमारी सरकार जो काम कर रही है, अच्छे काम कर रही है, लोगों माहौल उनके पक्ष में बना हुआ है, और ये लोग उस माहौल को बिगाड़ने का अपनी तरफ से प्रयास करने का काम कर रहे हैं जिसमें वो सफल नहीं होंगे, और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी बहुमत से आ रही है। 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान जो है वो किया गया है, तमाम बंद खाना वही उसी राजनीतिक उसके हिस्सा है ये सारी चीज़ें, तो बंद का ऐलान करे कोई भी करे, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से कोई करे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंसात्मक रूप अपनाता है, कोई धक्के से किसी का कोई बंद करवाने का काम करता है, कोई और कोई इस टाइप के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रशासन अलर्ट भी है, सरकार भी सतर्क है, तमाम एहतियात के कदम जो उठाए जाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि काफ़ी टाइम पहले जो है टेबल पर बैठे थे किसान और जो सेंटर के जो नेता है, लेकिन बहुत टाइम से बुलाया नहीं गया है, क्या एक टेबल पर बैठ के इसका हल नहीं निकाला जा सकता है? जब जो लोग अगवा है इसके और वो कहते हैं कि हमें तो बातचीत करनी ही नहीं, केवल कानून वापिस ले, हमें कोई बातचीत करनी ही नहीं, तो इस तरीके से फिर बातचीत कैसे होगी? बातचीत बैठ करके, टेबल पर बैठ करके, उस पर चर्चा करके तभी बातचीत संभव है। वो वापिस लेना है या उसमें कोई गलत चीज़ है, वो कोई अमेंडमेंट करना है,
अगर कोई जाने से पहले अपनी कोई कंडीशन लगा दे तो फिर बातचीत कैसे करे। बातचीत सरकार तो बातचीत के लिए तैयार है जब भी कहे, लेकिन ये कहते हैं कि पहले सरकार ये घोषणा करे कि कानून वापस, उसके बाद बातचीत करेंगे, फिर बातचीत क्या रहेगी, उसके मायने क्या रहेंगे। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा थे, जिन्होंने साफ तौर पर इसको सियासी रंग जो है बताया कि ये जो किसान आंदोलन है इसमें सियासी रंग जो है नज़र आ रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जितेंद्र हंस के साथ प्रोक्स चौधरी, MH1 Prime।